आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों, आज एक नए वीडियो के साथ आप सबके बीच में आ चुका हूँ। वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आज के नए वीडियो में। आज का विषय है कि बाइबल के इन चार सामर्थ्य वचनों को जो शैतान को हराने के लिए आपको हमेशा है जे मदद करेगा। प्रियो, ऐसे तो बाइबल में पूरा भरी पड़ी है वचन जो आपको हर समय सुरक्षा करता है और मदद करता है। उसी में से प्रियो मैंने चार वचन आप सबके बीच में लाया हूँ, जिसे आप प्रार्थना में शामिल करेंगे और इन वचनों को आप जब प्रार्थना में आप बोल के प्रार्थना करेंगे तो आपको परमेश्वर शैतान को हराने में हमेशा ऐसे सामर्थ देंगे, आपको मदद करेंगे। प्रियो, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो को अंत तक देखें और पूरा देखें, ताकि आज परमेश्वर का जो वचन है उस वचन से आप भरपूरी से आशीष को पा सकें। तो चलिए हम वचन को देखते हैं। यशाया 41:10, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। प्रियो, परमेश्वर डरने के लिए नहीं कहते हैं, परमेश्वर ये भी बातों को कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तेरे संग हूँ, इधर उधर ताका झाँकी मत करो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने हाथों से परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे संभाले रहूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको डर लगे, उस समय भय लगे, तो आप इन वचनों को आप पढ़ें, प्रार्थना करें, शैतान को आप हमेशा है जो हरा पाएंगे। आपको बीच में से जो शैतान डर देता है, वो डर है जो उस समय आपको निकल के बाहर आ जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ उस समय आपके अंदर काम करेगा। अगला वचन है प्रियो, 2 तीमोथी 4:18-22 में कहता है, और प्रभु मुझे हर बुरे काम से छुड़ाएगा और अपनी स्वर्गीय राज में उद्धार करके पहुंचाएगा, उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर है जो आपको हर एक बुरे कामों से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। अगर आप किसी बुराई में फंसे हुए हैं और नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप परमेश्वर के सम्मुख बैठें, प्रभु के सम्मुख बैठें और इन वचनों को बोल के प्रार्थना करेंगे, प्रभु तू ही है जो मुझे इस बुराई से निकालेगा, तू ही है जो मुझे स्वर्गीय राज्य में उद्धार करके ले जाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु आपको सामर्थ देंगे और उससे बुराई से आप जरूर निकल पाएंगे। इन वचनों को बोल के आप प्रार्थना करें और अपने जीवन में आशीष को उतरते देखने पाए प्रभु के लोगों, आपको जीवन में जरूर आशीष मिलेगा। 22 आयत कहता है, प्रभु तेरी आत्मा के साथ रहे, तुम पर अनुग्रह होता रहे। और मेरे प्रियो, प्रभु है जे आपके आत्मा के साथ रहेंगे और आप पर अनुग्रह करेंगे, आप पर आशीष देंगे। इन वचनों को साथ है जे आप प्रभु से सामर्थ मांगें, आपको प्रभु जरूर है जे ताकत और सामर्थ देंगे और आप है जे प्रभु की आत्मा के साथ रह पाएंगे। अगला वचन है 2 तिस्नोकियों 3:3 कहता है, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें धीष्टा से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हाँ मेरे प्रियो, अगर आपको लगता है कि मुझे कहीं से कोई मददगार नहीं है, तो प्रियो प्रभु सच्चा है। प्रभु ने जब कहा है कि मैं तुमको संग रहूँगा, मैं तुम्हें सहायता करूँगा और मैं तुम्हें जे अपने हाथों से संभाले रहूँगा, तो वो मेरे प्रियो हमेशा आपको स्थिर रखेगा, वो हमेशा है जो उस दुष्ट से, उस शैतान से सुरक्षित रखेगा बचा करके। प्रियो, इन वचनों को पढ़ें और प्रभु से मदद मांगें, प्रभु जरूर सहायता करेंगे। यशाया 54:17 कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुदय होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों में से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की यही वाणी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा है कि जितने भी हथियार आपके खिलाफ में, आपके हानि के लिए जो शैतान है जो बनाए, कितनों भी षड्यंत्र उस रचे, वो कोई सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपके संग है, परमेश्वर आपका दाहिना हाथ है, आपको संभालने वाला और आपको सहायता मदद करने वाला। मेरे प्रियो, यहाँ कहता है, वचन कहता है कि वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। आज हम सब परमेश्वर के कारण है जो धर्मी ठहरेंगे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के कारण धर्मी ठहरेंगे। तो प्रियो, जब भी आपको प्रार्थना में शाम बैठते हैं
आप इन वचनों को, चार वचनों को आप बोल बोल के प्रार्थना करें, शैतान से आपको है जे हराने के लिए आपको सामर्थ्य जरूर परमेश्वर देंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन से आप आशीष को पाए हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र 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 स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र वचन से बातचीत करने के लिए। पिताजी, आज जो प्रभु आपने शैतान को हराने के लिए आज आपने वचन दिया कि जब भी हम प्रार्थना करें तो पिता इस वचनों को हम शामिल कर करके आपसे सामर्थ्य और आपसे ताकत और आपसे प्रभु जी शक्ति को मांगें, ताकि उस शैतान को, हर युक्तियों को और हर चालों को है जे निष्फल कर सके। वो जितने भी हथियार बनाए वो कोई हथियार काम न करने पाए। इसके लिए पिता आपने वचन दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाइयों बहनों के लिए जो इस वीडियो को देखते हैं पिता, उनके अगर जीवन में बहुत से ऐसे कोई बुरे काम है पिता जो नहीं छूट पा रहे हैं, बुरे लत लगे हुए नहीं छूट पा रहे हैं, बुराई में पड़े हुए नहीं निकल पा रहे हैं, तो पिता हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप अपने वचन से उनके अंदर से प्रभु हर एक बुराइयों को निकालिए। पिता अपनी वचन से उनके जीवन में काम कीजिए, ताकि उनके द्वारा प्रभु आपकी महिमा मिलने पाए और वो बहन और भाई है जो गवाही देने पाए कि परमेश्वर ने हमें इस वचन से हमारे जीवन में काम किया। क्योंकि परमेश्वर पिता आप वचन से ही काम करते हैं और वचन से ही चंगाई और छुटकारा देते हैं। पिताजी, इस वीडियो से आप महिमा लीजिए और हर एक भाई और बहन के जीवन में काम कीजिए। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने वीडियो में बने रहें और अंत तक देखें। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा दें, ताकि अगला वीडियो जब भी मैं डालूं आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।